स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। 13. व्हाट्स द आंसर? व्हाट्स द सम ऑफ मनी? द सम ऑफ मनी यानी पैसे की रकम। आंसर यानी जवाब। इस वाक्य का मतलब होगा जवाब क्या है, पैसे की रकम क्या है, या फिर पैसे की रकम कितनी है। 14. इट इज 20 रुपीज यानी वह 20 रुपए है। रुपीज यानी रुपए, PAISE पैसा। इसका बहुवचन रूप हो सकता है PAISE पैसे, BEGGARS बैगर्स यानी बहुत से भिखारी, टू बैग यानी भीख मांगना, उस पर से बैगर यानी भिखारी। याद रखिए दोस्तों, अंग्रेजी में क्रिया पर से कर्ता के लिए शब्द बनाने के लिए क्रिया के पीछे ER, OR या फिर AR लगाया जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। LIE लाई यानी झूठ, उस पर से LIER लायर यानी झूठ बोलने वाला। टू स्पीक, स्पीक यानी बोलना, उस पर से SPEAKER स्पीकर यानी वक्ता। टू रीड, रीड यानी पढ़ना, उस पर से READER रीडर यानी पढ़ाई करने वाला वाचक, अथवा अंग्रेजी सीखने के लिए वाचन माला का पुस्तक। टू राइट यानी लिखना, उस पर से WRITER राइटर यानी लेखक। टू एक्ट यानी करना, अथवा नाटक में रोल अदा करना, उस पर से एक्टर यानी नाटक करने वाला या नट। टू सेल यानी नौका चलाना, उस पर से SAILOR सेलर यानी नाविक। 15. यस दैट्स द राइट आंसर। यस यानी हाँ, उसका विरोधी शब्द है NO, नो यानी नहीं। राइट यानी सही, उसका विरोधी शब्द है रॉन्ग यानी गलत। इस वाक्य का मतलब होगा हाँ ये जवाब सही है। 16. गुड, माय होमवर्क इज ओवर। इक में गुड यानी अच्छा, इज ओवर यानी पूरा होना। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आवर हॉलीडेज आर ओवर, हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ, हमारी छुट्टियाँ पूरी हो गई है। आवर गेम इज ओवर, गेम यानी खेल, हमारा खेल खत्म हो गया है। क्रिकेट के खेल में 6 गेंद की एक ओवर कहलाती है, वहाँ ओवर नाम के रूप में उपयोगी होता है। 17. आई वॉन्ट टू लर्न दिस सम्स। आई वॉन्ट टू लर्न यानी मुझे सीखना है, लर्न यानी सीखना और टीच यानी सिखाना। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। व्हाट आर यू लर्निंग नाउ, अभी तुम क्या सीख रहे हो। वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल, हम विद्यालय में अंग्रेजी सीख रहे हैं। 18. सिट डाउन लर्न द राइट मेथड। इस वाक्य में द राइट मेथड यानी सही तरीका। उदाहरण के लिए दिस इज द राइट मेथड टू लर्न इंग्लिश, द टीचर टीचेस अस द राइट मेथड्स ऑफ नोइंग इंग्लिश वर्ड्स। शिक्षक हमें अंग्रेजी शब्द सीखने का सही तरीका सिखाते हैं। 19. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच यानी मैं तुम्हारा बहुत ही आभार मानता हूँ। टू थैंक यानी आभार मानना। उदाहरण के लिए आई थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, फॉर हेल्पिंग यानी मदद करने के लिए। मुझे मदद करने के लिए मैं तुम्हारा खूब खूब आभार या धन्यवाद मानता हूँ। आई थैंक यू फॉर टीचिंग मी द राइट मेथड।
मुझे सही पद्धति सिखाने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। यहाँ आने के बदले में तुम सबका धन्यवाद करता हूँ। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।